Hello friends. Good morning. Today is the 16th of April, and welcome to the Pyramid Investments. Today we are going to discuss about the very important point that is a market analysis. Yes, friends. So, uh, in this month, market is a very good rally from last 15 days. If you see that, a very good uh, rally from the bottom is around uh, you know 6% uh, rally, 5.8% rally. market the DIY. So, it's very good. Uh, you know. <coughs> कम बैक ऑफ द मार्केट बट रियली वन क्वेश्चन इन आवर माइंड इज दैट कि ये जो रैली है वो सस्टेन करेगा या फिर मार्केट अगेन नीचे ड्रॉप हो जाएगा तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ ओके और अगर सस्टेन uh, करता है तो कहाँ तक तो मार्केट जा सकता है और डाउन uh, साइड और अप साइड मोमेंट हम क्या है तो वो सारा इस पर्टिकुलर वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो लेट्स कनेक्टेड विद द अस टिल द एंड ओके लेट्स बिगिन दिस वीडियो okay friends so if you see that chart of the nifty 50 here the 20 uh, this blue line indicates the 50 days simple moving average green line uh, indicates the 150 days simple moving average and red line indicates the 200 days simple moving average okay and if you see that over here uh, back in 1st september फिफ्टी क्रॉस द वन फिफ्टी सो वेन एवर द फिफ्टी क्रॉस द वन फिफ्टी देट मीन्स द मीडियम टर्म ट्रेंड इज ऑन अप ट्रेंड यस फ्रेंड तो यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली फाइव सप्टेम्बर को मतलब एक सप्टेम्बर के बाद टू सेप्टेंबर को मार्केट ने अप uh, ट्रेंड चालू किया था राइट right? और ये ट्रेंड इज कंटिन्यू एंड सेम टाइम द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो स्लोपिंग अप फ्रॉम हियर राइट ऑलमोस्ट नियर बैक टू इन द नवर मंथ राइट स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अप होना स्टार्ट हुआ बट रिसेंटली यू नो एट ऑफ मार्च दैट ट्रेंड इज अगेन गोज रिवर्सल यस फ्रेंड्स इफ यू सी दैट कि यहाँ पे क्या हुआ कि फिफ्टी क्रॉस बैक टू द वन फिफ्टी एंड बोथ मूविंग एवरेज आर स्लोपिंग डाउन अगेन इफ यू सी दैट ओवर हियर राइट तो देट मीन्स द मीडियम टर्म ट्रेंड अगेन्स गोइंग टू डाउन राइट एंड बट स्टिल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इंटैक्ट एंड प्राइज अबो बैक अबाउट टू हंड्रेड इज सिंपल हुएंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है मीडियम टर्म ट्रेंड शॉर्ट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्लोपिंग डाउन मींस डाउन ट्रेंड चालू हुआ है राइट तो यहाँ पर टेक्निकली अभी बेरिश मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है ऐसा हम नहीं बोल सकते कभी बुलिश मोमेंटम है क्योंकि लास्ट फोर मंथ में मार्केट ने टॉप से ऐसे करेक्शन हम देखा जाए तो मार्केट uh, ने ऑलमोस्ट सी दैट यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं तो ऑलमोस्ट टेन पर इलेवन परसेंटेज का ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राइट right? मार्केट के अंदर तो अभी रिसेंटली uh, जो रैली है उसके हिसाब से मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट फाइव पॉइंट फाइव परसेंटेज डाउन है ओके okay? तो अभी यहाँ से एग्जेक्टली exactly मोमेंट क्या होगा लेट्स सी ओके सो लेट्स फाइंड आउट द वन ऑफ द रजिस्टेंस ऑन अपर साइड ओके रजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऊपर अपर के साइड और दैट इज़ द बिगेस्ट रजिस्टेंस यू कैन सी ओवर व ही यस फ्रेंड दि इज द एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड येस फ्रेंड्स सो दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रजिस्टेंस इफ यू सी दैट यहाँ पे रजिस्टेंस uh, बना हुआ है यस दिस इज द वन ऑफ द रजिस्टेंस दिस इज सेकेंड रजिस्टेंस थर्ड रजिस्टेंस फोर्थ रजिस्टेंस राइट दिस द फिफ्थ रजिस्टेंस ओके और यहाँ पे भी है राइट right? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑलमोस्ट द वेरी वेरी स्ट्रोंग रजिस्टेंस प्रेजेंट अपसाइड ऑफ द इन निफ्टी फिफ्टी चार्ट सो इट्स यू नो यहाँ से हम देख सकते हैं तो अभी जो uh, कहाँ तक ऊपर साइड अभी इस हिसाब से देखे तो लेट्स मेजर आउट ओके कि अभी भी ऊपर साइड पोटेंशियल कितना है तो अभी आप देखोगे तो 1.5 परसेंट रैली स्टिल लेफ्ट राइट फ्रेंड 1.5 परसेंट रैली यहाँ से और भी निफ्टी फिफ्टी दे सकता है अगर ये सस्टेन करता है तो राइट right? और अगर ये जो 150 फिफ्टी यहाँ से आ, अगर यहाँ से अगर हम देखा जाए राइट एक्सक्यूज में अगर यहाँ से रैली really, ऊपर uh, लगता है राइट right? और इसको क्रॉस करता है ब्रेकआउट देता है राइट एंड ब्रेकआउट देने के बाद अगर ये कम करता है और वो यहां से अगर सस्टेन करके वापस रिबाउंड होता है राइट मार्केट सो देन वी हैव टू एंटर ओवर हि दैट्स what my मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी क्या सीनारियो है मेरे हिसाब से दिस इज नॉट राइट टाइम टू टेक एंट्री ओके this is not actually right time to take entry you have to enter after 18000 crossing right 18000 ke upar agar market is ye jo ye jo ye jo line hai yahan pe agar itne area mein agar market sustain karta hai rally okay और वहाँ पर ही market अगर रहता है then you have to make the long position. स्टिल इट्स नॉट राइट टेम टू मेक द लॉन्ग पोजिशन राइट अगर आप लॉन्ग में अभी अगर आपने यहाँ पे अराउंड ये एरिया में अगर आपने कोई ट्रेड लिए हुए राइट तो यू कैन होल्ड इट स्टिल यू हैव द वन पॉइंट फाइव परसेंट रेलीज लेफ्ट एज फार टेक्निकल एनालिसिस राइट फ्रेंड तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हो वंस इट्स क्रॉस एंड कम बैक एंड मे दैन आफ्टर मे बी इट्स अ अपवर्ड ऑल टाइम था वीव टू वेट फॉर एटीन थाउजेंडली एनालाइज और अगर मार्केट यहां से नीचे कहां तक आ सकते हैं तो लेट्स फाइंड आउट दैट सपोर्ट लेवल एज वेल ओके सो यहाँ पे हम देखेंगे सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज ऑफकोर्स जो लास्ट जो बॉटम बना था राइट right? यहाँ तक मार्केट वापस से भी आ सकता है अगर ये रैली really, uh, अगर कंटिन्यू नहीं करता है मार्केट ओके सो दिस इज़ द वन ऑफ द रेजिस्टेंस ओके इसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस और uh, यहाँ पे अगर डबल बॉटम मारता है ओके सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड बॉटम ओके तो यहाँ पर भी एक चार लाइन हम ड्रॉ करते हैं ओके तो दिस टू लाइन मीन्स सिक्सटीन राइट दैट इज़ द लोअर सपोर्ट लेवल राइट तो यहाँ से अगर नीचे आते मार्केट तो ऑलमोस्ट सिक्स परसेंट आर डाउनसाइड पोटेंशियल ओके तो सिक्स परसेंट नीचे भी मार्केट आ सकता है और ऊपर का जो है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव टू टू परसेंट रैली ऊपर साइड भी जा सकता है तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाना ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिख रहा है बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ऊपर साइड का जो पोटेंशियल है वेरी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और नीचे अगर मार्केट आया तो देर आर सिक्स टू सेवन परसेंट ड्रॉप इन टू द मार्केट राइट अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाए तो मैंने जो बोला वो 18,000 को क्रॉस करना तो मार्केट को उसके बाद अगर उसको सपोर्ट बनाता है 18,100 को उसके बाद अगर कंफर्मेशन देता है तो यू कैन टेक एंट्री ओवर हियर ऑलमोस्ट यू नो एज पर ये जो राइट टाइम यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो राइट तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एंट्री ओके अदरवाइज वेट फॉर अगेन ड्रो डाउन एंड लेट्स वेट फॉर दैट लेवल ओके

नाउ इट्स टाइम टू वेव डाउन एज वेल राइट सो मे बी यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो दिट इज़ अ व वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज़ फार माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे आप पोजिशन बना सकते हो वहाँ पर अगर कन्फर्मेशन देते हैं ठीक है फिर भी हम नेक्स्ट वीक मार्केट एनालिसिस करेंगे उस टाइम पर एग्जैक्टली क्या सीनारी हो देखेंगे ठीक है सो होप यू लाइक दिस वीडियो ओके प्लीज़ सब्सक्राइब द पिमिड इन्वेस्टमेंट्स एंड लेट्स कनेक्टेड विथ हस्त एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग